नमस्कार मित्रों, राष्ट्रनीति इंडिया की इस बेहद खास पेशकश में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग प्रकृति से प्यार करते हैं, संस्कृति से प्यार करते हैं, उन लोगों को ये खास वीडियो आज जरूर देखनी चाहिए। और सबसे पहले आप सभी लोगों को हरेला, जो कि एक लोक पर्व है, न सिर्फ उत्तराखंड में मनाया जाता है अपितु अलग अलग नामों से देश भर के कई भागों में ये मनाया जाता है, इस सब के आप लोगों को बधाई। हरेला पर्व, इसके बारे में मैं अगर चर्चा करूं, मैं आज बात करूं, तो प्रकृति के प्रति जो उत्तराखंड के लोगों का प्रेम है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें प्रकृति के साथ रहने, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा करके कैसे अपना जीवन यापन करना है और कैसे प्रकृति का सम्मान करना है, ये हमारे पूर्वजों की देन है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है हरेला त्योहार। और पूरे देश को उत्तराखंड से ये बात जरूर सीखनी चाहिए कि कैसे प्रकृति के साथ प्यार के साथ रहा जा सकता है, प्रकृति के साथ सम्मान के साथ रहा जा सकता है और एक सहजीवन प्रकृति के साथ व्यक्त किया जा सकता है। आज इस हरेले के मौके पर राष्ट्रनीति इंडिया एक मुहिम स्टार्ट कर रहा है। उस मुहिम का नाम है एक एक पेड़ हर एक लगाओ, एक एक पेड़, यानी देश के और राज्य के हर व्यक्ति को आज ये तय करना चाहिए कि हमें अपने परिवार के हर एक सदस्य के नाम पर एक पेड़ लगाना चाहिए और उस पेड़ को लगा के नहीं छोड़ना है, बल्कि उस पेड़ की देखभाल करनी है अगले हरेले तक। और जब अगला हरेला 6 महीने बाद आएगा तो फिर हमें एक पेड़ और लगाना है, यानी साल में एक व्यक्ति 2 पेड़ लगाए तो हमारे देश में अगले 1 साल में ही 300 करोड़ नए पेड़ जनरेट हो सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत सब लोग तो इस काम को करेंगे भी नहीं, लेकिन जितने लोग भी कर सकते हैं, तो मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ, मैं सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस अवसर पर आप जरूर ये पेड़ लगाने की मुहिम करें, क्योंकि हमारे प्रकृति के साथ जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि रहना है और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, तो उसको हमने ध्यान देना चाहिए। और दूसरी एक और छोटी सी बात मैं इस वीडियो के साथ देखना चाहता हूँ, ये एक सोशल मीडिया पर आजकल बड़ी ज़बरदस्त उत्तराखंड मांगे भू कानून को रिलेटेड एक बालिका आपको बगल में दिखाई दे रही होगी, इसने एक मीम बनाया था और काफ़ी हिट हो गया है, तो इनको भी मैं बधाई देता हूँ। और ऐसे ही युवा साथियों का प्रेम सपोर्ट अगर उत्तराखंड भू कानून को मिलता रहे जैसे इस बालिका ने करके दिखाया, तो निश्चित तौर पर एक दिन उत्तराखंड में भू कानून बनेगा और युवा साथियों की इसी क्रिएटिविटी को राष्ट्रनीति भी सलाम करता है। तो कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहे राष्ट्रनीति इंडिया। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, आप दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।